हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज है 4.6। ओके, तो देखिए 4.6 जो एक्सरसाइज है उसमें हम किस टाइप का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा इंटीग्रेशन का टाइप का जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन a + b साइन एक्स, 1 अपॉन a + b कॉस एक्स, 1 अपॉन a sin x + b कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए, अगर ये आप क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये जो टाइप्स है इंटीग्रेशंस के, हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ऐसे हमने लिखा हुआ है, वो आप उसको अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ द 1 अपॉन a + b साइन एक्स या फिर 1 अपॉन a + b कॉस एक्स। ठीक है, ऊपर कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म रहेगा इट्स ओके, ए और बी कोई भी कांस्टेंट टर्म है, और जो डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है वो सिर्फ साइन और कॉस ही होना चाहिए, साइन एक्स कॉस एक्स या फिर साइन एक्स टू एक्स, साइन टू एक्स और कॉस टू एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ही हम कंसिडर करेंगे कि हमारा जो टाइप है ये टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये एक्सरसाइज में दो टाइप है, ए और बी, मतलब एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमें ध्यान देना है। ठीक है, ए 1 अपॉन a + b साइन एक्स, बी टाइप में क्या है 1 अपॉन a + b साइन टू एक्स, यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर 2x रहेगा। ठीक है, तो ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन टाइप का। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आता है ये क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है, इसमें यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना है। ठीक है, अगर हमने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया हमारा ए टाइप का क्वेश्चन है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 10x/2 = t, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें dx मिल जाएगा। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, इसका डेरिवेटिव पार्ट मैं एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, आप इसको डायरेक्टली ये लर्न करके रखेंगे। अगर आपने क्वेश्चन ये टाइप का आइडेंटिफाई किया हुआ है तो आपको ये सारे सब्स्टिट्यूशन करने हैं, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, 10x/2 = t, देयरफॉर dx क्या हो जाएगा 2dt/1+t², साइन एक्स रहेगा तो 2t/1+t², और कॉस रहेगा तो 1 - t² / 1+t². ठीक है, आप इससे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ट्रिग्नो का फॉर्मूला का हेल्प लेंगे, आपसे ये फाइंड आउट हो जाएगा, ये फाइंड आउट हो जाएगा, वो पार्ट आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर बेटर मैं बोलूँगा कि आप उसको लर्न करके रखेंगे, याद कर लेंगे तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए, बार बार वो डिराइव करने से बेटर आप लर्न करके देख लीजिए, रख लीजिए इसे। अगर आपका ए टाइप का क्वेश्चन है तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन रखना है, अगर बी टाइप का क्वेश्चन है तो आपको ये सारे सब्स्टिट्यूशन लर्न करके रखना है। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 10x = t रखेंगे, यहाँ पर 10x/2 = t रखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव हमें क्या मिल जाएगा dt/1+t², यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। ओके, और साइन 2x रहेगा तो यहाँ पे सेम रहेगा, कॉस 2x रहेगा, और दोनों का ये सेम रहेगा, ये दोनों सेम टर्म रहेगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये और ये। ओके, तो अभी हमें ए और बी टाइप का क्वेश्चन दिख गया भाई, क्वेश्चन हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया, अभी हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं समझने के लिए। मैं यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4.6 के सारे एग्जांपल लेने वाला हूँ, तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। और मैं अब एक बार फिर से वेरी इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा, मैंने हर एक वीडियो में बोला हुआ है, अगर आपको इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज जो भी चैप्टर है अगर आपको अच्छे से करना है तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, एज वेल एज डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होना चाहिए, और ट्रिग्नो के भी फॉर्मूले कुछ याद रखना चाहिए। इसके लिए आपको सारे जो फॉर्मूलेज है आप उसको रोज़ एक बार ज़रूर लिखिए। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, देख के लर्न करना आपको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर और साथ में प्रैक्टिस भी रोज करिए। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या दिया हुआ है 1 अपॉन 3+2 साइन एक्स। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 क्या है, अपना कांस्टेंट टर्म है a और b जो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ था। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स के फॉर्म में दिख रहा है। तो अभी हमने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आपने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको करना क्या है, ठीक है। तो आपको ये सारे सब्सटीट्यूशन, ये ए टाइप का है तो आपको ये सब्सटीट्यूशन याद रखना है, ठीक है। क्या करना है, पुट करना है, सब्सटीट्यूशन टाइप का क्वेश्चन है ये। पुट व्हाट 10x/2 इज इक्वल्स टू टी एंड डी एक्स क्या पुट करेंगे, 2 dt अपॉन 1 plus t square। यहाँ पर देखिए सिर्फ साइन है, अगर साइन ही लिखते हैं यहाँ पर, अगर कॉस रहता तो कॉस लिखते, अगर दोनों रहता दोनों हम लिख के दिखाते हैं, ओके। तो ये हमें सब्सटीट्यूशन है ये याद रखना है, अगर आपने ये टाइप का क्वेश्चन आया तो इसको बार बार डिराइव मत करते बैठिए, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, अभी देखिए डी एक्स के जगह पे हम ये टर्म पुट कर देंगे, साइन के जगह पे हम ये टर्म पुट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर साइन के जगह पे ये रखना है और डी एक्स के जगह पे हमें ये टर्म पुट करना है, और ये 10 हम एंड में यूज़ करेंगे, कैसे मैं बताता हूँ आपको। देयरफॉर अपना ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 upon 3 plus 2, साइन के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, दिस 2t upon 1 plus t square, और डी एक्स के जगह पे आप क्या रख रहे हैं, 2dt upon 1 plus t square, ओके। तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर टर्म 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर 2 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 upon 1 plus t square के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 plus 3t square, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4t हो जाएगा अपॉन 1 plus t square इंटू 2 dt upon 1 plus t square है, ओके। तो अभी देखिए ये डिनोमीटर पूरा जो टर्म है ये डिनोमीटर के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये 2 कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 upon, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3t square plus 4t plus 3, इसे हम अरेंज कर सकते हैं इसलिए हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है 1 upon क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ठीक है, जो कि हमने एक्सरसाइज नंबर 4.54 में देखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ आप, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 4.4, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ओके। फिर भी मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, समझाने के लिए ट्राई करता हूँ। अभी ये 1 upon क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको 1 upon क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन दिख गया तो हमें करना क्या है, तो सबसे पहले ये एक्स टी स्क्वायर, मतलब जो भी है वेरिएबल आपका टी है तो टी स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर देखिए, तो यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ क्या है, कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म है आपको उसको रिमूव करना है। हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, एक तो हम ये 3 कॉमन ले सकते हैं या फिर 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या करना हमें, तो अभी अपना क्या था, 1 upon 3t square plus 4t plus 3। अब मैंने क्या बताया आपको, ये टी स्क्वायर के साथ जो 3 है वो मुझे कॉमन लेना है, कॉमन लेना है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा तो हमें बाहर क्या मिल जाएगा, 2/3, ठीक है। तो अभी इसके पास से कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बच गया, टी स्क्वायर बच गया, इसके पास तो 3 है ही नहीं, कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ओके। तो अभी क्या हो गया, ये 1 upon क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये टी स्क्वायर के साथ जो टर्म था वो हमें रिमूव करना था, अभी इसके बाद क्या करना है, हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है क्या है, 4/3, उसको आप 2 से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर कर दो, इससे हमें जो भी नंबर मिलेगा वो हमारा थर्ड टर्म होगा, ओके। तो यहाँ पर थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 4/3 × 1/2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा मतलब 2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9, ठीक है। तो थर्ड टर्म हमें क्या मिल गया, 4/9। अभी हम थर्ड टर्म को मिडल टर्म के बाद, ये कंपलसरी रूल है, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, 2/3 टी स्क्वायर प्लस 4/3 टी, पहले प्लस करेंगे 4/9
एक बार माइनस करेंगे और लास्ट का जो टर्म है वन एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ओके अभी क्या हो जाएगा, ये तीन टर्म एक साथ लेंगे, ये दो टर्म एक साथ लेंगे, टू बाई थ्री वन अपॉन, अभी तीन टर्म एक साथ लेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री टी प्लस फोर बाई नाइन। यहाँ पर अभी एक ये माइनस हमने कॉमन लिया तो फोर बाई नाइन माइनस वन ओके डी टी। अभी हमें क्या करना है, दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में करना है। पहले यहाँ पर देखिए फोर बाई नाइन को माइनस वन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मतलब माइनस फाइव बाई नाइन मिल जाएगा। ठीक है अभी यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अभी मुझे इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टी स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री टी फोर बाई नाइन, इसे मुझे स्क्वायर के फॉर्म में करना है कन्वर्ट। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर मिडल टर्म पे ध्यान मत दीजिए, ये जो लास्ट का टर्म है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए, यहाँ पे टी स्क्वायर में से टी लीजिए, कॉन्स्टेंट टर्म का जो स्क्वायर के फॉर्म में उसमें से कॉन्स्टेंट टर्म ले लीजिए, अगर दोनों बीच में प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर एक माइनस एक प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, दोनों माइनस होंगे तो हम वो टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है मतलब ये ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, इसको आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको फिर से यही टर्म मिलेगा। ओके तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, तो हमें क्या मिल गया टी प्लस टू बाई थ्री का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये माइनस है इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस फाइव बाई नाइन आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा और उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो रूट फाइव बाई थ्री का स्क्वायर। ओके देखिए अभी थ्री को नाइन, यहाँ पर देखिए नाइन को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना मतलब थ्री का स्क्वायर, ट्वेंटी फाइव को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना मतलब फाइव का स्क्वायर, अगर मैंने बोल दिया सेवन को स्क्वायर के फॉर्म में लिखो मतलब क्या करेंगे हम, रूट सेवन का स्क्वायर, थ्री को स्क्वायर के फॉर्म में लिखो मतलब रूट थ्री का स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे फाइव बाई नाइन को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है मतलब रूट फाइव बाई थ्री का स्क्वायर। अभी देखेंगे हमें, देखिए ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है इक्वेशन, हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वन अपॉन जिस टर्म के बाद टी वेरिएबल, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो यहाँ पे टी इज़ अ वेरिएबल, तो ये टर्म को हम एक्स कंसिडर करेंगे और जो सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म है उसे हम ए कंसिडर करेंगे। ठीक है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है वेयर ए इज़ ए एनी कॉन्स्टेंट नंबर, एक्स इज़ अ वेरिएबल, तो यहाँ पर हमारा एक्स क्या है, ये टर्म हमारा एक्स है और कॉन्स्टेंट टर्म ए मतलब ये हमारा ए है। ठीक है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन बाय ए फॉर्मूला वन बाय ए, ए इज़ वॉट रूट फाइव बाय थ्री इंटू टेन इनवर्स एक्स, वॉट इज एक्स, टी प्लस टू बाई थ्री बाय ए रूट फाइव बाय थ्री प्लस सी, इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। अभी देखिए कोई भी जो टर्म कैंसिल हो रहा है सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसे ज़रूर करिए, यहाँ पे थ्री थ्री कैंसिल हो गया, ये थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई होगा थ्री टी बाय टू बाय थ्री और रूट फाइव बाय थ्री, तो ये डिनोमीटर डिनोमीटर गेट कैंसल्ड। और लास्ट स्टेप में हम फिर से टी का जो वैल्यू लिया था हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, थ्री टी प्लस टू बाय रूट फाइव मिल गया। ठीक है तो हम क्या करेंगे फिर से, यहाँ पे देखिए ये हमने टी को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, टेन एक्स बाई टू, तो हम टी के जगह पे फिर से ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है फाइनल स्टेप में तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टू बाय रूट फाइव टेन इनवर्स थ्री टेन एक्स बाई टू प्लस टू बाय रूट फाइव प्लस सी। ठीक है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके ऐसे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हाट, सेकंड एग्जांपल, थोड़ी सेकंड एग्जांपल वन अपॉन वन माइनस टू साइन एक्स। ठीक है तो देखिए यहाँ पर बीच में प्लस या माइनस का साइन रहेगा उसे मतलब नहीं है, लेकिन हमारा टर्म वन अपॉन ए प्लस साइन टू एक्स के फॉर्म में होना चाहिए।
ठीक है, वन अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में दिख रहा है हमें। ओके तो अभी हम सबसे पहले देखिए क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, सॉरी पुट टेन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू टी, इसका हम डायरेक्ट निकालेंगे डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। देखिए ये आप लर्न करके रखेंगे, इसको मैं हर एक एग्जांपल में डिराइव करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप ये स्टेप लिख याद रखेंगे डायरेक्टली लिख देंगे। और यहाँ पर साइन है इसलिए यहाँ पर साइन रखते हैं, अगर कॉस होता तो कॉस का वैल्यू भी नोट कर लेते। तो यहाँ पर हमें पता है कॉस साइन क्या यूज़ करना है, साइन यस ठीक है। तो अभी सारे वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, वन माइनस टू साइन की जगह पे क्या रखेंगे टू टी वन प्लस टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ओके सॉरी टू डी टी, टू डी टी है ये ओके okay? तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये वन प्लस टी स्क्वायर वन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू टू टी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो वन प्लस टी स्क्वायर माइनस फोर टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है वन प्लस टी स्क्वायर वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू इंटू टू फोर फोर टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर इंटू टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसल्ड, तो हमें क्या मिल गया टू अपॉन वन प्लस, देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम अरेंज कर लेते हैं, टी स्क्वायर को प्लस का साइन इसको आगे लिख लिया माइनस फोर टी प्लस वन डी टी, ठीक है तो ये हमारा वन अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ रहा है, टू इज़ ए कॉन्स्टेंट टर्म, हम टू को बाहर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हमें पता है कि वन अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है टी स्क्वायर के साथ कोई टर्म है क्या, नहीं यहाँ पर टी स्क्वायर के साथ कोई टर्म होता तो पहले हमें उसको रिमूव करना पड़ता था, कॉमन लेते थे ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है थर्ड टर्म फाइंड आउट करना, थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू वॉट, यहाँ पे क्या है फोर माइनस फोर या फोर आप कुछ भी ले सकते हैं, उसको टू से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे टू टू जा माइनस टू का स्क्वायर फोर, तो यहाँ पे एक बार हम प्लस फोर करेंगे और एक बार माइनस फोर करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा टू कॉन्स्टेंट टर्म है, टू को बाहर लिख दीजिए वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस फोर टी, एक बार पहले प्लस करेंगे फिर बाद में माइनस करेंगे, ये रूल है प्लीज़ इसको आपको फॉलो करना है, तो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, ये टर्म को साथ में लिखेंगे ये टर्म को साथ में लिखेंगे, टू वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर, और यहाँ पे फोर माइनस सॉरी माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, ओके अभी दोनों टर्म को हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, दोनों टर्म को हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे टी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म है उसको हमने इस यहाँ पे क्या लिख दिया टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर है, यहाँ पे टी का स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस टू का स्क्वायर, यहाँ से टी लेंगे यहाँ से टू लेंगे, यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है इसलिए माइनस आएगा, दोनों प्लस होते तो प्लस आता था, माइनस माइनस नहीं रहता है ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टी माइनस टू का स्क्वायर, और थ्री को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है मतलब रूट थ्री का स्क्वायर ठीक है। तो अभी देखिए अपना जो क्वेश्चन है कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में बन गया है, वन अपॉन एक्स का स्क्वायर जिसके साथ वेरिएबल है उसे आप एक्स कंसिडर करेंगे और जिसके साथ कॉन्स्टेंट है ठीक है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है वॉट इज इक्वल्स टू वन बाय टू ए इंटू लॉग एक्स, पहले तो है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी ओके। तो प्लीज़ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर हमारे पास नहीं है तो हम इंटीग्रेशन में इजीली नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम होती है, तो आप रोज इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को लिखिए। अभी देखो ये x है और ये a है तो टू कॉन्स्टेंट उसको एज इट इज़ बाहर लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है वन बाई टू ए वॉट इज़ a रूट थ्री लॉग x, x इज़ वॉट t माइनस टू,
माइनस ए रूट थ्री एक्स टी माइनस टू प्लस प्लस सी, ठीक है। अभी कोई टर्म कैंसिल होता है कैंसिल करिए, और बाद में भी प्लस माइनस होता रहेगा तो ज़रूर करिए, ठीक है। यहाँ तक हमने किया। अभी लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, टी का वैल्यू फिर से रीसब्स्टिट्यूट करना है। टी का वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेन एक्स बाई टू, जो हमने स्टार्टिंग में नोट लिखा हुआ है। तो टेन एक्स बाई टू माइनस रूट थ्री, इसे हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम एज रेस रख रहे हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू दिस, ओके। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन थ्री प्लस फाइव कॉस एक्स। तो देखिए वन अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करेंगे, पुट एक्स टेन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू टी, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें dx क्या मिल जाएगा, 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे cos है इसलिए cos लिखेंगे, अगर sin होता तो sin वाला सब्स्टिट्यूशन लिखते थे। यहाँ पे cos x क्या लिखना है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अभी cos की जगह पे cos का वैल्यू रखेंगे, dx की जगह पे dx का वैल्यू रख देंगे, ओके। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 3 प्लस 5 cos वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, और डी एक्स के जगह पे हम क्या रख देंगे, डी एक्स के जगह पे टू डी टी इंटू वन अपॉन टी स्क्वायर। तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वन प्लस टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा थ्री के साथ, और फाइव वन माइनस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, थ्री इंटू दिस थ्री प्लस थ्री टी स्क्वायर, फाइव इंटू वन फाइव माइनस फाइव टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू टू डी टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे वन प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसल्ड, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए थ्री टी स्क्वायर माइनस फाइव टी स्क्वायर, तो और ये फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, माइनस थ्री माइनस फाइव टू टी स्क्वायर टू डी टी, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, अभी देखिए यहाँ पर हम टू कॉमन ले लेंगे, यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में टू है, डिनोमिनेटर में टू कॉमन ले लेंगे तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, फोर, यहाँ पे क्या बच जाएगा, टी का स्क्वायर, ओके। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल मिल गया हमें, कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, वन अपॉन ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, वन बाय टू ए लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फोर को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, टू का स्क्वायर, तो जाके ये फॉर्मूले के फॉर्म में बनेगा, अदरवाइज हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, टू, वन बाय टू इंटू ए इंटू लॉग ए प्लस एक्स, सॉरी टी, वेरिएबल टी यूज़ करें फिलहाल अभी, प्लस सी। तो ये टू 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 फोर, वन बाई फोर लॉग टी के जगह पे यहाँ पर फिर से टी का वैल्यू रख देंगे, टेन एक्स बाई टू, और यहाँ पर टू माइनस टेन एक्स बाई टू, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, पुट टेन एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू टी, डी एक्स क्या हो जाएगा, टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स क्या पुट करेंगे, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए हमारा आई क्या मिल जाएगा, वन अपॉन फोर माइनस फाइव, कॉस की जगह पे वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस
टी स्क्वायर, और डी एक्स के जगह पे हम लोग लेंगे 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए ये 1 प्लस टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 4t स्क्वायर, माइनस है बाहर -5 × 1 -5 −5 × t स्क्वायर +5t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इंटू 2dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। तो ये 1 प्लस t स्क्वायर गेट कैंसल्ड, 2dt अपॉन 4 − 5, 4t स्क्वायर 5t स्क्वायर 9t स्क्वायर −1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 कांस्टेंट, आप 2 को बाहर लोगे, यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके पहले वाले एग्जांपल में भी हमने कैसे इनवर्स के फॉर्मूले यूज़ करना है प्लीज़ मैम, हम लोग ने बहुत ही अच्छे से देखा हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए कैसे इनवर्स के फॉर्मूले यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने 9 को कांस्टेंट कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2/9 हो जाएगा, आपने 9 कॉमन लिया डिनोमिनेटर में तो ये टी स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे तो 9 नहीं है तो यहाँ पे 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा देखिए फॉर्मूले के कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में बन रहा है, टी स्क्वायर −1/3 का स्क्वायर, सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन प्रीवियस के प्रीवियस क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, 1/2a log x − a x + a + c, तो ये 1/2 मतलब a मतलब 1/3, 2 into a इज वॉट 1/3 log t − 1/3 t + 1/3 + c। ओके, देखते हैं अभी क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 कैंसिल हो, ये 3 × 3 = 9, 1/3 log, यहाँ पर ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3t − 1/3, और यहाँ पे 3t + 1/3, 3 गेट कैंसल्ड, और हम लास्ट में t के जगह पे क्या पुट कर देंगे, 10 x/2, और यहाँ पर 10 x/2 + 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अगला एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 5, 1/2 cos x − sin x। ठीक है, तो ये भी हमारा 1 upon a + b cos x + c sin x के फॉर्म में दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन हमारा, पुट 10 x/2 t, इसका आप जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें dx मिल जाएगा 2dt/1+t² और यहाँ पे कॉस भी है और साइन भी है तो यहाँ पे दोनों यूज़ करना पड़ेगा, साइन एक्स के जगह पे आप क्या रखोगे 2t/1+t² और कॉस के जगह पे हम क्या रखेंगे 1 − t² / 1+t². ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बनने वाला है, i = what, कॉस के जगह पे 1 − t² / 1+t² रख देंगे और साइन के जगह पे 2t/1 − 1+t² रख देंगे इनटू dx के जगह पे आप क्या रखोगे 2dt/1+t² रख देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और फिर ये 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले एक स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, 1 − t² − 2t/1+t² इंटू 2dt/1+t². ठीक है, पहले ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे फिर बाद में ये कैंसिल करेंगे, अगर आपने यहाँ पे कैंसिल किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 2 प्लस 2t²
प्लस वन माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी अपॉन, अभी देखिए वन प्लस टी कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, तो अभी ये यहाँ पर इसके साथ कैंसिल हो सकता है, ये स्टेप में या ये स्टेप में आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। ये कैंसिल हो गया आपका, टू कॉन्स्टेंट टर्म है ये बाहर ले लिया। यहाँ पे देखिए टू टी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हमने आगे लिख दिया, ये माइनस टू टी वन प्लस टू थ्री डी टी, तो ये हमें वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिल गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस टू बाई टू का स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर वन। तो यहाँ पर हम प्लस वन एक बार करेंगे, माइनस वन एक बार करेंगे, टी स्क्वायर माइनस टू टी, एक बार पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, ये रूल है। ये तीन टर्म एक साथ जाएगा, ये दो टर्म एक साथ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा देखते हैं, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन और ये प्लस टू। अभी दोनों को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टी माइनस वन का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर। ओके, ये मैंने पहले वाले भी एग्जांपल में देखा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कैसे इसको स्क्वायर के फॉर्म में करना है, सेम वही हमने अप्लाई किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा। ओके, तो अभी ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, वन बाय वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वन बाय ए मतलब रूट टू टेन इनवर्स एक्स मतलब टेन टी माइनस वन प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टी के जगह पे हमें टेन एक्स बाई टू पुट करना है, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये टर्म कोई कैंसिल नहीं हो रहा है तो एज इट इज रखेंगे, टेन एक्स बाई टू माइनस वन बाय रूट टू प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू वॉट, टू बाई टू, टू बाई रूट टू टेन इनवर्स टी के जगह पे यहाँ पर हमने टेन एक्स बाई टू माइनस वन प्लस टू प्लस सी। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री प्लस टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स पुट व्हाट, टेन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू टी, देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल्स टू टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर साइन भी है कॉस भी है, तो साइन एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और कॉस एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए अभी ये सब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर रखते हैं क्वेश्चन में, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू व्हाट, वन अपॉन थ्री प्लस टू साइन की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और कॉस की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, अब सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं क्या मिलता है हमें, तो थ्री प्लस फोर टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू टू डी टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर। अभी देखिए पहले डिनोमिनेटर कॉमन करते हैं, और ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये प्लस का साइन है, दो डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, फिर कॉमन डिनोमिनेटर होने के बाद ये थ्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, थ्री प्लस थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ये और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, देखिए क्या बचा है, वन अपॉन
थ्री टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर, फोर टी और थ्री प्लस वन फोर। ओके तो अभी देखेंगे यहाँ पर टू सबके पास हम कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर में भी टू है तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस टू डी टी, ये टू टू गेट कैंसल्ड। तो अभी वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट टू का को टू से डिवाइड करेगा, उसका स्क्वायर कर देंगे वन, वन इज़ अ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को हम मिडल टर्म के बाद एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, ये रूल है। प्लीज़ वन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 4.24 है, अगर आपने उसे अच्छे से नहीं किया हुआ तो प्लीज़ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसको फॉलो करिए। यहाँ पे इसको लेंगे, ये टर्म इसको साथ में जाएगा, तो ये टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन और माइनस वन प्लस टू प्लस वन, दोनों टर्म को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वन अपॉन ये टी प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अभी देखिए ये हमें कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, हमारे पास देखिए वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, तो ये हमारा इसका दिस इज एक्स दिस इज वन, तो फॉर्मूला क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स मतलब टेन टी प्लस वन बाय ए मतलब वन प्लस सी, तो ये हमारा टेन इनवर्स टी के जगह पे टेन एक्स बाई टू रख देंगे प्लस वन प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया, सेवन देखते हैं। वन अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स डी एक्स, देखिए यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, कॉस अल्फा इज़ ए कॉन्स्टेंट टर्म, इसे हम कॉन्स्टेंट एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया, वेरिएबल हमारा एक्स है, ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे देखिए हमें क्या सेम वही करना है, पुट टेन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू टी डी एक्स इज इक्वल्स टू टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस एक्स दिख रहा है तो कॉस एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। कॉस अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, इसे हमें कॉन्स्टेंट कंसिडर करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो आई क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस अल्फा प्लस वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर इंटू टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी स्क्वायर, ओके। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल जा रहा है, ये टर्म माइनस नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस अल्फा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस वन प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, टू डी टी, तो ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है टी स्क्वायर है, अगर हमने टी स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारा टर्म क्या हो जा रहा है, कॉस अल्फा माइनस वन प्लस ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ओके। देखिए कॉस अल्फा माइनस वन कॉस अल्फा प्लस वन,
ओके। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो टी स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो मुझे रिमूव करना है। तो अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू व्हाट, वन अपॉन कॉस अल्फा माइनस वन, कांस्टेंट टर्म है ये, टू कांस्टेंट है बाहर ले लिया, यहाँ पे टी स्क्वायर बचेगा प्लस कॉस अल्फा प्लस अपॉन, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये से डिवाइड हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये एक्स है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी मुझे इसको ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो देखिए, अगर हमारे पास ट्रिग्नो का फॉर्मूला है तो इसे हम बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ पर यहाँ पे ये माइनस का साइन कॉमन लेते ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास ठीक है। अभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, टू टू गेट कैंसल, कॉट अल्फा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसे ये हमारा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कॉट अल्फा बाई टू। ओके तो अभी देखिए फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, वन बाई टू ए, ए इज व्हाट, कॉट अल्फा बाई टू इंटू लॉग एक्स मतलब टी, कॉट अल्फा बाई टू टी, कॉट अल्फा बाई टू प्लस सी। ओके ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म हम एज इट इज रखते हैं, इसे भी हम फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये टू और ये टू कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है, यहाँ पे हम थोड़ा साइन चेंज कर देते हैं, वन माइनस कॉस अल्फ़ा लिख देते हैं इनटू यहाँ पे कॉट वन अपॉन कॉट अल्फा बाई टू लॉग टेन टी की जगह पे हमने टेन एक्स बाई टू रख दिया, कॉट एक्स बाई टू अपॉन टेन एक्स बाई टू प्लस कॉट एक्स बाई टू सॉरी अल्फा बाई टू ठीक है प्लस सी, ये अल्फा बाई टू है। ओके तो अभी देखिए वन माइनस कॉस अल्फा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट है, कॉट मतलब क्या होता है, कॉस अल्फा बाई टू अपॉन साइन अल्फा बाई टू इंटू लॉग टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू कॉट अल्फा बाई टू और अपॉन, या फिर हम कॉट को कॉस अपॉन साइन कर सकते हैं। ओके तो जो भी दिया एज पर गिवन आंसर हम इसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है हमारा जो आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं, इसको हम टेन एक्स बाई टू ही रखते हैं और इसको हम कॉस
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनटू लॉग ये 10x/2 माइनस कॉट्स α/2 अपॉन साइन α/2 अपॉन 10x/2 प्लस कॉस α/2 साइन α/2। देखिए यहाँ पर कोई भी चेंजेस कर सकते थे लेकिन एज पर आंसर हमें आंसर लाना है, इसलिए हम कॉट को चेंज कर रहे हैं, 10 को चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन और ये साइन स्क्वायर कैंसिल, -1/2 साइन α/2 इंटू कॉस α/2 इंटू लॉग, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन α/2 इंटू 10x/2 माइनस कॉस α/2 बाय साइन का α/2 और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन α/2 इंटू 10x/2 प्लस कॉस α/2 अपॉन साइन α/2। ओके तो ये साइन α/2 साइन α/2 गेट कैंसल। यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 2 थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 साइन α/2 इंटू कॉस α/2 है, फिर क्या आ जाएगा साइन 2 α/2 टू टू गेट कैंसिल, मतलब साइन अल्फ़ा बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस साइन अल्फ़ा इंटू लॉग। ओके यहाँ पे क्या बच गया साइन α/2 10x/2 माइनस कॉस α/2 अपॉन साइन α/2 इंटू 10x/2 प्लस कॉस α/2। ओके तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, माइनस लॉग का प्रॉपर्टी है, ये 1/ साइन को कॉसेक कर सकते हम, और माइनस लॉग एक्स है तो आप इसे लॉग 1/x लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिनोमीटर न्यूमीटर बन जाएगा, न्यूमीटर डिनोमीटर बन जाएगा। ओके तो ये हम लिख सकते हैं 1/ साइन क्या क्या हो जाएगा, कॉसेक अल्फ़ा लॉग साइन अल्फ़ा 10x/2 प्लस कॉसेक α/2 और ये साइन α/2 इंटू 10x/2 माइनस कॉसेक α/2। ठीक है, ये हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज किया, कैसे ये प्रॉपर्टी यूज़ किया, बाहर माइनस का साइन था, माइनस का साइन हम अंदर ले गए तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है तो ये हमारा आंसर हो गया है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ओके लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8 इज व्हाट आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स। अभी यहाँ पर देख रहे हैं कॉस अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म और कॉस एक्स इज अ वेरिएबल, ये कांस्टेंट नंबर है, जैसे ए और बी हमारा कांस्टेंट नंबर है। ठीक है तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पुट 10x/2 इज इक्वल्स टू टी, देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू 2dt अपॉन 1+t2, और यहाँ पे cos x है तो cos x हम पुट करेंगे 1-t2 1+t2। ओके देयरफॉर i हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos अल्फा, cos अल्फा कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए हम लिख रहे हैं इसको एज इट इज़, और cos x की जगह पे हम ये लिख देंगे 1-t2 1+t2, और dx की जगह पे हम लिख देंगे 2dt अपॉन 1+t2। ओके ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1+t2 प्लस कॉस अल्फ़ा, और ये कॉस अल्फ़ा ब्रैकेट ओपन होगा
माइनस कॉस अल्फा टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये कैंसल हो गया, लिख देते हैं हम टू डी टी अपॉन, देखिए ये दोनों के पास से हम टी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं टी यहाँ से और यहाँ से हमने टी स्क्वायर कॉमन लिया तो वन माइनस कॉस अल्फा बच गया। ओके तो ये टू कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले लेते हैं और वन अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है इक्वेशन हमारा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये टर्म, ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये हमें बाहर निकालना होगा। तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे वन बच गया, यहाँ पे वन माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाय वन माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पर टी स्क्वायर, ठीक है। या फिर देखिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यहाँ से हम इसको एक ही टर्म रखते हैं, ये स्टेप नहीं करते हैं हम, ये पूरे टर्म को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। कॉस वन माइनस कॉस अल्फ़ा हमने बाहर निकाला, टू भी बाहर निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पे वन प्लस कॉस अल्फ़ा वन माइनस कॉस अल्फ़ा और यहाँ पे टी स्क्वायर बच गया, ठीक है। अभी देखिए वन माइनस कॉस अल्फ़ा वन प्लस कॉस अल्फ़ा का हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा, टू अपॉन वन माइनस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा और यहाँ पर टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपॉन टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ए टू टू गेट कैंसल, ए टू टू गेट कैंसल, वन अपॉन साइन ये कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर या फिर इसको एज इट इज रखते बाद में काम आएगा कुछ, और ये हमारा कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ए है, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, तो ये कॉट अल्फ़ा बाई टू इज़ अ ए, कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू इंटू वन बाई ए, वॉट इज ए, कॉट अल्फ़ा बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स मतलब टी बाय ए मतलब कॉट अल्फ़ा बाई ए प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट को हम लोग यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है और यहाँ पे कॉट है, यहाँ पर देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू है, इसका मतलब ये वन बाय साइन स्क्वायर है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा बाई टू अपॉन साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू टेन इनवर्स टी के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, टेन एक्स बाई टू अपॉन कॉट अल्फ़ा बाई टू प्लस सी। ओके देखिए ये अंदर वाला टर्म हम एज इट इज़ रखते हैं, तो अभी हम आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, चाहिए तो वन अपॉन कॉट को टेन लिख सकते हैं, यहाँ पे ये साइन ऊपर जाएगा, ये साइन और एक कॉस में से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉसेक अल्फ़ा बाई टू बचेगा इंटू वन अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू इंटू टेन इनवर्स यहाँ पे हम टेन एक्स बाई टू इंटू
टेन अल्फा बाई टू लिख देंगे, वन बाई कॉट टेन हो जाएगा प्लस सी। ओके तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके देखिए हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी इसमें हम देखेंगे बी टाइप के क्वेश्चन में, बी टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन ए प्लस बी साइन टू एक्स मिलेगा, ठीक है, या फिर वन अपॉन ए प्लस बी कॉस टू एक्स मिलेगा। इसके पहले हमें सिर्फ एक्स था, यहाँ पे अभी टू एक्स आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन में चेंजेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री माइनस टू कॉस टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पुट करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, जब बी टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमें टेन एक्स पुट करना है इज इक्वल्स टू टी। अभी हम इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे टेन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी डी टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर। ओके और कॉस यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, कॉस एक्स सेम रहेगा वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। सिर्फ ये दोनों में चेंजेस हो गए, यहाँ पे टू नहीं था, यहाँ पे टू नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्स बाई टू था तो यहाँ पे सिर्फ एक्स रहेगा, ठीक है। ए और बी टाइप में जब यहाँ पे कॉस टू एक्स आ जाएगा या फिर साइन टू एक्स आ जाएगा तो यहाँ पे हमें टेन एक्स पुट करना है और डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। कॉस टू एक्स और साइन टू एक्स सेम रहेगा पहले जैसे। ओके अभी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और बाकी का पूरा पार्ट सेम रहेगा, यहाँ पर वन अपॉन थ्री माइनस टू कॉस टू एक्स की जगह पे हम वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा थ्री के साथ, तो थ्री प्लस थ्री टी स्क्वायर और टू मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगा, टू वन ज़ा टू टू इंटू टू अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसल्ड और हमें क्या मिल जाएगा, थ्री माइनस टू वन, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव टी स्क्वायर डी टी। ओके तो यहाँ पर हम फाइव कॉमन ले लेंगे और ये वन बाई फाइव हो जाएगा और प्लस टी स्क्वायर। अभी देखिए वन बाई फाइव को हमें स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इसमें हम क्या कर देंगे, वन अपॉन रूट फाइव का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। तो अभी ये कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा, टैन इनवर्स वन बाय ए, मतलब ए इज वॉट वन बाय रूट फाइव, टैन इनवर्स टी बाय ए प्लस सी। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, रूट फाइव बाई फाइव टैन इनवर्स रूट फाइव, डिनोमीटर रेसिप्रोकल हो जाएगा डिनोमीटर और टी के जगह पे हम टेन एक्स पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा प्लस सी। ओके तो ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेकंड एग्जांपल, आई इज व्हाट, आई इज इक्वल्स टू टू साइन टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ओके यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट करना है, सेकंड टाइप का है, यहाँ पे टू एक्स है, पुट टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी, देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पे साइन है इसलिए हम साइन टू एक्स वाला वैल्यू पुट कर लेंगे, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके सारे वैल्यू पुट करते हैं, आई क्या मिल जाएगा हमें, टू साइन टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर और माइनस थ्री और डी एक्स के पे क्या लिख देंगे, डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये टू ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, फोर टी माइनस थ्री माइनस थ्री टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर वन प्लस टी स्क्वायर गेट कैंसल्ड, हमें मिल जाएगा वन अपॉन
यहाँ पर देखिए हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 40, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस टी स्क्वायर। ओके तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस थ्री अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये माइनस फोर बाई थ्री टी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो अभी हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट को टू से डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर देंगे। मतलब ये माइनस फोर बाई थ्री इंटू वन बाई टू का स्क्वायर, टू टू ज़ा मतलब फोर बाय नाइन, फोर बाय नाइन को यहाँ पे हम मिडल टर्म के बाद एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस फोर थ्री प्लस कर रहे हैं, फिर माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वन है, माइनस वन बाई थ्री, ये तीनों टर्म एक साथ जाएगा, दो टर्म एक साथ जाएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस फोर बाई थ्री टी प्लस ये हमारा टू बाई थ्री का स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये नाइन माइनस सॉरी प्लस फाइव बाई नाइन हो जाएगा ये। ओके, अभी दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, इसको और इसको, ये हमें क्या मिल जाएगा, वन अपॉन ये टी माइनस टू बाई थ्री का स्क्वायर प्लस रूट फाइव बाई नाइन सॉरी थ्री का स्क्वायर डी टी। अभी देखिए हमारा कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में देखकर, वन अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब टेन इनवर्स, ये माइनस वन बाई थ्री है, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ओके, ये थ्री थ्री कैंसल, माइनस वन अपॉन रूट फाइव टेन इनवर्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा थ्री टी माइनस टू, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम कैंसल रूट फाइव, और लास्ट स्टेप हम क्या कर देंगे, टी के जगह पे एक्स पुट कर देंगे, टी के जगह पे हम यहाँ पे एक्स रख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट फाइव टेन इनवर्स थ्री टेन एक्स माइनस टू अपॉन रूट फाइव प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई इज इक्वल्स टू वन अपॉन फाइव प्लस सेवन कॉस टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पुट टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी एक्स हमें मिल जाएगा डी टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे कॉस टू एक्स है, तो कॉस टू एक्स क्या पुट करना है हमें, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, तो प्लीज़ अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो ध्यान से सुनिएगा। जब यहाँ पर cos 2x या फिर sin 2x रहेगा तो हम बी टाइप यूज़ करते हैं, जब sin x या फिर cos x x रहेगा सिर्फ तो हम ए टाइप यूज़ करते हैं। जो ए टाइप और बी टाइप क्या है, वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू फाइव इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, सेवन एक्स cos की जगह पे हम वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, और डी एक्स के पे हम लिखते हैं डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, फाइव प्लस फाइव टी स्क्वायर प्लस सेवन माइनस सेवन टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया है, यहाँ पे 12 माइनस टू टी स्क्वायर डी टी।
अब यहाँ पे 2 कॉमन लेना पड़ेगा हमें, 1/2 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा 6 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा 6 को। तो अब क्या करेंगे, रूट 6 का स्क्वायर। तो अभी देखिए कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में बन रहा है, 1/a² माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला, 1/2a लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो 1/4 रूट 6 लॉग t के जगह पे हम क्या रख देंगे, टेन एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। I इज इक्वल्स टू वॉट, 2 - 3 साइन 2x dx। क्या पुट करेंगे, पुट 10x इज इक्वल्स टू t, देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू वॉट, dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। एंड यहाँ पे साइन 2x है, तो यहाँ पे साइन 2x क्या पुट करेंगे, 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। देयरफॉर I क्या मिल जाएगा हमें, अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिल जाएगा, 2 + 2t² माइनस 60/1 + t² इंटू dt/1 + t². ये टर्म कैंसिल हो गया, 1/2 कॉमन ले लेते हैं और हमें क्या मिल जाएगा, t² - 3t + 1। तो ये 1/4 के फॉर्म में दिख रहा है, तो हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू वॉट, मिडल टर्म का को 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर करो, 9/4। 9/4 को हम मिडल टर्म के बाद एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे, ये 3 टर्म एक साथ जाएगा, 2 टर्म एक साथ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, t² - 3t + 3/2 का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, 4 - 5/4। ओके, अभी यहाँ पर हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हमें t - 3/2 का स्क्वायर माइनस √5/2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अभी इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे किया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा हुआ है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन का, 1/x² - a² क्या है फॉर्मूला, 1/2a, a इज वॉट, √5/2 इंटू log x माइनस a x प्लस a। तो ये 2 गेट कैंसल्ड, 1/√5 log। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 2t - √5/2t - 3+√5। और लास्ट स्टेप में यहाँ पे t के जगह पे 10x रख देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वो स्टेप करिए, t के जगह पे 10x रख दीजिए, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो और अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। I इज इक्वल्स टू वॉट, 1/3 + 2 sin 2x + 4 cos 2x dx। तो यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, पुट 10x इज इक्वल्स टू टी, देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू dt/1 + t² एंड यहाँ पे देखिए cos 2x भी है, sin 2x भी है, तो sin 2x इज इक्वल्स टू वॉट, 2t/1 + t² एंड cos 2x इज इक्वल्स टू 1 - t² / 1 + t². ओके, अब ये सारे वैल्यू हम क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे, तो हमारा आई क्या मिल जाएगा,
जाएगा आई इज इक्वल्स टू वॉट 3 प्लस 2, साइन के जगह पे हम पुट कर रहे हैं और कॉस 2 के जगह पे हम पुट कर रहे हैं और डी टी के जगह पे रखेंगे, डी एक्स के जगह पे रखेंगे डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके तो प्लीज़ अभी देखिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे ये क्या जाएगा 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, 4 माइनस 40 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये ऐड हो जाएगा और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद हमें क्या मिलेगा 3 प्लस 3t स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन है 40, यहाँ पे प्लस का साइन है 4 माइनस 40 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल हो गया है, 3t 40 और यहाँ पे 4 प्लस 3, यहाँ पे देखिए ये 7 प्लस 40 माइनस टी स्क्वायर। देखिए अभी ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का ही टाइप है, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर को माइनस का साइन है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो मैंने 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के जब टाइप में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एग्जांपल देखा हुआ है, तो प्लीज़ यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 4 बाय 2 का स्क्वायर, मतलब 4 को अभी मिडल टर्म के पहले, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस है इसलिए हम 4 को थर्ड टर्म को मिडल टर्म के पहले प्लस फिर माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 7 प्लस 4 माइनस 4 टी सॉरी माइनस 4 प्लस 40 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों एक साथ आएंगे, ये दोनों एक साथ आएंगे, तो यहाँ पे देखिए 7 प्लस 4 11 हो जाएगा माइनस 4 माइनस 40 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन हमने कॉमन लिया तो ये हमें टर्म मिल रहा है। ठीक है, अभी हम दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये अंडर रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस लिखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, मतलब टी माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से 2 लेंगे यहाँ से टी लेंगे, एक माइनस है एक प्लस है इसलिए हम माइनस का साइन देंगे। तो अभी ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, क्या बन गया हमारा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का। ओके, और हमें आंसर मिल जाएगा इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या फॉर्मूला 1 बाय 2 ए, व्हाट इज ए रूट 11 लॉग ए माइनस सॉरी ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, प्लस सी, तो देखिए ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, टी के जगह पे हम क्या रख देंगे 10x ये प्लस हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5th का। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सरसाइज नंबर 4.6 के सारे एग्जांपल देखे हैं, दो ही टाइप के क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, और सेकंड का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझसे पूछ भी सकते हैं। और मैं लास्ट में फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को अच्छे से करना है तो आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा और इसके सारे फॉर्मूले रोज़ आपको लिख कर याद करना होगा। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्प कर रहा है ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर मेरे शेयर को लिंक शेयर करिए। ओके, और मैंने 12th के स्टेट बोर्ड के सारे टॉपिक के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे वैसे ही आपको सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़
मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।